एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आपका लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के पार्ट 10 की। तो लगभग हमारा देखिए 80% फिजिक्स का हो चुका है। दो तीन वीडियो और हमारी होंगी, इसके बाद हमारा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं सिर्फ क्वेश्चन डाला करूँगा। ठीक है, वीकली या फिर दो तीन दिन में एक वीडियो डालता रहा करूँगा फिजिक्स की, जिसमें लगभग वही 20-25 क्वेश्चन हुआ करेंगे। ठीक है, एग्जाम के टाइम तक मैं डालता रहूँगा फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि कोर्स पूरा होने के बाद अब मैं छोड़ तो सकता नहीं उसे, तो मैं सोच रहा हूँ एमसीक्यूज़ की वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, पर आज हम बात करेंगे 10वें पार्ट की, जो है हमारा एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो अगर एनर्जी की बात हम करें, देखिए एनर्जी में सबसे पहले तो आपको ये समझना कि यार एनर्जी होता क्या है। ठीक है, तो एनर्जी क्या होता है हमारा? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी क्या है? हम किसी काम करने की जो एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है, हम कितना काम कर सकते हैं, वो हमारा एनर्जी पर डिपेंड होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी हमारी, उतना ज़्यादा हम वर्क कर सकेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू इट्स एनर्जी रिलीज। ठीक है, वो क्या करता है कि जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी में जितना पेट्रोल होगा उतना गाड़ी चलेगी, तो बस वही है कि जितना गाड़ी में हमारे शरीर में एनर्जी होगी उतना हम वर्क कर पाएंगे, और उसी वर्क के हिसाब से हमारी एनर्जी हमारे शरीर से चलती चली जाएगी। ठीक है, बाहर निकलती चली जाएगी। एनर्जी कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ये 6 के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हमारा है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज टू डू वर्क। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और पोजिशन और बोथ। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी हमारा एक सम होती है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, जिसकी हेल्प से हम काम कर पाते हैं। ठीक है, या दूसरी भाषा में कहें तो ये एक तरह की वो एनर्जी है जो मोशन या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, या फिर दोनों पे। ठीक है, तो ये होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। जैसे आपको एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए, ये अगर पानी आ रहा है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। ठीक है, इस व्हील हमारा घूम रहा है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर इस पानी की वजह से और इस व्हील की वजह से कौन सी एनर्जी पैदा हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी आप सीधे सीधे समझ लीजिए, जब कोई वर्क होता है, किसी फिजिकल वर्क होता है, तो वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है? हीट एनर्जी इज़ द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, ठीक है, आयन्स इन सॉलिड्स और लिक्विड एंड गैसेज। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर एंड द ट्रांसफर और फ्लो ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड हीट। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि हीट एनर्जी क्या होती है? ये मूवमेंट होता है टाइनी पार्टिकल्स का, छोटे पार्टिकल्स और एटम मॉलिक्यूल्स का, कब? किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, वो भी कब होता है? जब दोनों बॉडीज़ के जो बीच का टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो कम टेम्परेचर वाले की तरफ जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमें अगर हम सूर्य की तरफ हाथ करते हैं दोपहर में, तो वो गर्म होना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हीट आती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं एटम मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, वो सन की तरफ से आते हैं और हमारे हाथ में एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो दोनों को बराबर लाने की कोशिश करने के चक्कर में हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो वही हमारी हीट एनर्जी कहलाती है। उसके बाद आता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कंपाउंड्स, ठीक है, इट इज़ रिलीज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन ऑफ्टन प्रोड्यूसिंग हीट एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बैटरीज, बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल आर एग्जांपल्स ऑफ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो केमिकल एनर्जी हमारी होती है वो स्टोर होती है कहाँ पर? जो केमिकल कंपाउंड्स के बॉन्ड होते हैं उनके, और जब वो बॉन्ड टूटते हैं या फिर बनते हैं तब हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, जो उनके बीच में या फिर केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूस हमारी क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारा वर्क करने के लिए हमें कुछ पावर मिलती है। ठीक है, और ये जो बाय प्रोडक्ट होता है वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे बैटरीज हुई हमारी, बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल, ये सारे एग्जाम्पल किसके हमारे? ये सारे एग्जाम्पल है हमारे केमिकल एनर्जीज के। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में अगर आप बात करें तो देखिए, सन है, ये यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये ले रहा है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन ये रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है।
क्यों? क्योंकि इसने कुछ एटम्स केमिकल बॉन्ड्स के तोड़ के कुछ नया बना के आपको इधर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज टू मूव चार्ज पार्टिकल्स थ्रू वायर फ्रॉम अ पावर प्लांट टू आवर होम्स एंड बिजनेस। द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू अ वायर इज कॉल्ड द करंट और कॉमनली इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू वर्क वेरियस अप्लायंसेस इन आवर होम्स, ठीक है। ये क्या कह रहा है? जो हमारा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब वो वायर के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है, किसी वर्क के लिए और पावर प्लांट से निकलते हैं, ठीक है, होम और बिजनेस में हमारा उनका यूज़ होता है, ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। वो हमारे घर के काम करने के लिए और जो अप्लायंसेज होते हैं उनके काम करने के लिए आती है, वही हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। जैसे देखिए, ये क्या एटम है आपका, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटोन है आपका, ये इधर न्यूट्रॉन है बीच में आपके, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन आपका जो ये आपको दिख रहा है, ये एटम, ये आपका यहाँ के एक एटम को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर ये मूव कर जाएगा या फिर ये मूव कर जाएगा, ठीक है। ये ऐसे मूव करते हैं एक दूसरे को, पहले यहाँ से यहाँ आएगा फिर ऐसे आगे जाएगा। तो इनका जो मूव करना होता है एटम का या पार्टिकल्स का, चार्ज पार्टिकल्स का, वो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी की हेल्प में ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ दो तरह से मेथड में होता है, न्यूक्लियर फिजन में होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है, ठीक है। ये इन दोनों के जब न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो हमारे काम आती है बहुत। जैसे न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, जब दो स्मॉल पार्टिकल्स मिलके एक लार्ज पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। या फिर एक बड़ा पार्टिकल अलग होकर दो छोटे छोटे पार्टिकल बनाता है तो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऐसे सोलर एनर्जी, ये वो एनर्जी होती है जो हमें सन से मिलती है, हम इसे सोलर पावर भी कहते हैं। कैसे? ये देखिए, ये सन है आपका, यहाँ से उसने एनर्जी दी, ये क्या करता है, सोलर पावर को डीसी करंट में आपका चेंज कर देगा, ठीक है, डीसी करंट में चेंज कर दिया। उसके बाद इन्वर्टर में यहाँ से ये पावर इन्वर्टर में आई, ठीक है, इन्वर्टर में आने के बाद क्या हुआ, डीसी ने जो इसने क्या करा, डीसी करंट को एसी करंट में बदल दिया, ठीक है। डीसी करंट और एसी करंट आपको पता होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ से फिर ये यहाँ जाती है, ठीक है, यहाँ से क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पूरे घर में अलग अलग जगह पर पहुँचा देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, और ये होती है हमारी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी ग्रिड से आती है, ठीक है, जो आपके पावर प्लांट्स वगैरह से आती है, वो ये है। तो ये होती है हमारी सोलर एनर्जी, ठीक है। और वेरियस वेज ऑफ एनर्जी, अब जो एनर्जीज हैं वो कई तरह से यूज़ भी की जा सकती हैं। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, देखो वो आपको बताऊँ। जैसे हमारा एनर्जी ऑफ द मसल्स, मसल्स का मतलब जो हमारा शरीर हम अपने मेन मसल से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी एनर्जी ऑफ मसल्स कहलाती है। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ सिंपल मशीन, ठीक है, मशीन्स का भी यूज़ होता है वर्क करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। मशीन की डिवाइस होती है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कई सारे वर्क जो हमारा जल्दी और आराम से करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ भी हमारा क्या, एनर्जी कुछ प्रोड्यूस होती है, हमें एनर्जी चाहिए उन मशीन्स को वर्क करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है एनर्जी ऑफ विंड, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ विंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो अभी मूविंग एयर जो होती है वो हमारी विंड कहलाती है, ठीक है। ये इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही जो हमारा वर्क करने की एबिलिटी विंड एनर्जी हमें देती है, ठीक है। ये दो तरह से यूज़ होती है विंड एनर्जी। पहला तो सेल बोट्स में आपने देखा होगा, नाव होती थी ऐसी, उनके ऊपर एक ऐसे कपड़ा सा लगा रहता था, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट के काम आती थी। प्लस विंड मिल्स, विंड मिल्स में भी कैसे यूज़ होती है, जो आपकी विंड मिल्स होती है ना, उनमें पहले ये जाती है, फिर वहाँ से पानी निकालने के भी काम आती हैं, ग्रेन्स बनाने के काम आती है, कई तरह से विंड मिल्स आपकी यूज़ होती हैं, फिर एनर्जी प्रोड्यूस के लिए भी काम आती हैं विंड मिल्स। उसके बाद आता है आपका लिमिटेशन ऑफ विंड मिल्स, ठीक है। देखिए इनके कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, पहले तो भाई विंड हर टाइम नहीं रहती, कभी कभार क्या होता है विंड चलना बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेशन है कि कभी कभार क्या है, विंड हमें नहीं मिल पाती। एडवांटेज क्या है कि ये कोई पॉल्यूशन नहीं करती है, ठीक है, कोई गंदगी कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाती। अब एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर का भी आपको पता होगा कि जो हमारे हाइड्रो प्लांट्स होते हैं उसमें झरने से पानी गिरता है, जो मैंने आपको अभी शुरुआत में एग्जांपल दिखाया था वो हमारा फ्लोइंग वाटर का ही था, कि वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, ठीक है, वही हमारा होता है फ्लोइंग वाटर का। अब इसका भी कुछ डिसएडवांटेज होता है, इसका क्या डिसएडवांटेज है कि फ्लोइंग वाटर भी हमारा हर जगह सेम नहीं होता, ठीक है। कभी कभार क्या होता है बहुत धीमा, जैसे सिटीज़ में जो होता है रिवर्स होती हैं उनसे हम एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाते, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा हीट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हम हीट को भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जब भी हमारा फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई वर्क होता है तो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे आप अपने कभी हाथ को आप घिसेंगे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, पर इसमें क्या होता है, फिर हाथ में फ्रिक्शन होता है, आपके हाथ गर्म होते हैं तो हीट एनर्जी बनती है,
ठीक है। तो ये आपका हीट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हीट इंजन भी होते हैं, हीट इंजन क्या करते हैं, हीट इंजन क्या करते हैं आपके हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल कंबसन इंजन और इंटरनल कंबसन इंजन, ठीक है। अब एक्सटर्नल का अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो ये होता है स्टीम, ठीक है। जो स्टीम इंजन होते हैं ना वो आपके होते हैं एक्सटर्नल, और जो पेट्रोल या डीजल इंजन होते हैं ये होते हैं आपके इंटरनल इंजन, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, तो अगर अंतर की बात करूँ मैं सबसे पहले आपको स्टीम इंजन की बात, तो स्टीम इंजन इज एन एक्सटर्नल कंबसन इंजन वेयर एज पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि स्टीम इंजन कॉल्ड एन एक्सटर्नल कंबसन बिकॉज द कंबसन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर, ठीक है। तो जो इसका जो कंबस्टन होता है वो सिलेंडर के बाहर होता है और इसका अंदर ही हो जाता है, ठीक है। तो इतना दोनों में अंतर है, आप इससे समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल कंबसन इंजन जो इसका फ्यूल का जो कंबसन होता है वो सिलेंडर के बाहर होता है, और इसका जो फ्यूल का कंबस्टन होता है वो हमारे फ्यूल के सिलेंडर के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी यही होता है किसी एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करना, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है, ठीक है। ये आपका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। वेन एवर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो जब कोई एक फॉर्म ऑफ की एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो जो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है ना वो तो कॉन्स्टेंट रहती है, ये एस यहाँ से थोड़ा रह गया है, एस लिख लीजिएगा। और एनर्जी ना कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना कभी बनाई जा सकती है, ठीक है। इट only can be changed in one form to another form, ठीक है। ये कभी बनाई नहीं जा सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, इसको हम क्या करते हैं सिर्फ एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब देखिए दो नोट हैं आपको याद रखना है कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो हम 100%, ठीक है, कितना, ठीक है, तो 100% एनर्जी हम कन्वर्ट कर लेते हैं हीट एनर्जी में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को। पर अगर हीट एनर्जी की बात करें तो हमारी जो हीट एनर्जी है वो पूरी 100% कन्वर्ट नहीं हो पाती मैकेनिकल एनर्जी में, कुछ हमारा जो है हीट एनर्जी वो रह जाती है कन्वर्ट होने से, ठीक है। तो ये अंतर है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर आके आज का जो टॉपिक है हमारा ख़त्म होता है, हीट जो हमारा है। उसके बाद हम बात करेंगे सोलर एनर्जीज के बारे में, ठीक है, और सनलाइट के बारे में, इंफ्रारेड रेज, जितनी भी रेज हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। जितना भी मतलब हमारा इंडिया का क्या कैसा एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, इंटरनेशनली कैसा है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, उनको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें। अभी तक कमेंट कुछ करना है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, जवाब मिलेगा गारंटी है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो यार लाल बटन वो आपने देखा होगा, उसे दबा दो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।